हाय गाइस एच पी पी एस सी पीजी टी इंग्लिश का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट करवाया गया 8 जून 2024 को पेपर वन की आंसर की हमने पहले चैनल पे डाल दिया टू के साइकोलॉजी पेडोलॉजी और कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिपीटेड ही थे जो पीजीटी मैथ्स में भी पूछे गए थे वही क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए थे पीजीटी इंग्लिश में पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया था एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील विद द थ्यूरीज ऑफ पेस्टमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अ फिलोसफी विच डील विद द थ्यूरी ऑफ अ नॉलेज हमने डिस्कस किया था ओके ऑप्शन सी क्रेट होगा नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कम डीज फाउंड द सल्यूशन ऑफ विच सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम वेन ही वॉज इन हिज बाथब दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी ज को अपनी समस्या का निवारण समस्या का समाधान तब मिला जब वो अपने बाथ टब में था क्रिएटिविटी की ये प्रोसेस का ये कौन सा स्टेप है कौन सा चरण है तो क्रिएटिविटी का ये थर्ड है, okay? C, ये स्टेप है एलुमिनेशन ओके ऑप्शन सी करेक्ट हुआ एलोमिनेशन क्रिएटिविटी के ये फोर स्टेप्स है इन्होंने सीरीज वाइज ही दी प्रिपरेशन फिर सेकंड फिर थर्ड एलुमिनेशन और लास्ट वेरिफिकेशन ओके तो ये थर्ड स्टेप में है एलोमिनेशन ओके क्रिएटिविटी का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स वाई इज टीचर टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी टीचर ट्रेनिंग क्यों नेसेसरी है टीचर ट्रेनिंग इनक्रीज टीचिंग स्किल बिल्कुल करेक्ट है अंडरस्टैंड मैथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है अपग्रेड नॉलेज ऑफ कॉन्टेंट ये भी बिल्कुल सही है नॉलेज को अपग्रेड करता है कॉन्टेंट की नॉलेज को ओके okay, तो तीनों ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये सही है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑल ऑफ अबव ऑल दल अबव ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट है अगला टेट क्वेश्चन भी रिपीटेड है ये हमने परसों जिस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे ये वहीं से आ गया अगर आपने वो वीडियो देखी होगी अगर परसों वाली तो ये सभी क्वेश्चन यहीं से आए थे ये रिपीटेड क्वेश्चन है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स यहाँ पूछा गया है कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस इंस्टीट्यूट को किस संस्थान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन सर्विस टीचर्स की कि एजुकेशन की जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की टीचर हैं इन सर्विस टीचर तो इन इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग की शिक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी गई है डाइट्स को ओके डाइट्स नेक्स्ट पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स के तहत ओके इसके अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डाइट्स के पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज ए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया सो एनसीआर इज ए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ स्कूल टीचर्स इन इंडिया ओके ऑप्शन एक रेक्ट हुआ एनसीआरटी और एनसीआरटी की स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एनसीआरटी की फॉर्मेशन कब हुई थी एट क्वेश्चन ये इंग्लिश से है लिटरेचर से तो हम इसको स्किप करेंगे एट्टी फर्स्ट क्वेश्चन ये ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आपको याद आ जाएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड एजुकेशन किसी बच्चे की शिक्षा का पहला स्कूल कौन होता है तो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का हिज फैमिली ओके फैमिली बच्चे का पहला स्कूल होता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा फैमिली यही ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही था ओके क्वेश्चन नंबर एट्टी सेकेंड है सेरेमनी ऑफ इनिशियशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इन एजुकेशन इन बुद्धिज्म बुद्धिज्म में जो शिक्षा दीक्षा समारोह होता है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पूछ लिया जाता है तो पवज्जा का मीनिंग होता है टू गो फोर्थ अगला क्वेश्चन है एट्टी थर्ड स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज़ ये क्वेश्चन पीजीटी फिजिक्स में पूछा गया था पीजीटी फिजिक्स में जो पंद्रह तारीख को पेपर हुआ था पंद्रह या बारह को बारह को शायद स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज स्कूल जो है ये सामाजिक संस्थाएं हैं दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ अवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन ये भविष्य की पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के मूल्यों को संस्कृत संरक्षित और स्थापित करते हैं बिल्कुल करेक्ट है ये ओके okay, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एज में करेक्ट है जो पीजीटी फिजिक्स की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट को ही प्रायोरिटी दी गई थी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा ओके okay? आने वाली पीढ़ियों को वैल्यूज जो वो ट्रांसफर करता है संरक्षित करता है और स्थापित करता है वैल्यूज ओके okay? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग इन लर्निंग पिलर्स ऑफ एजुकेशन देर आर फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से लर्निंग टू नो फर्स्ट

कमीशन रिपोर्ट यूनेस्को इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996 में बताए गए हैं ये फोर पिलर लर्निंग टू नो लर्निंग टू डू लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर ये फोर पिलर बताए हैं यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमीशन रिपोर्ट 1996 में हो सकता है ये क्वेश्चन आने वाले पीजी के पेपर में पूछ लिया जाए तो इसके लिए आप इसको डिटेल में जान लीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटी लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज रिलेटेड टू यहाँ है नॉट रिलेटेड टू तो लर्निंग रिलेटेड होती है प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस है आपको एक्सपीरियंस है प्रायर लर्निंग का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर इंटेलिजेंस लेवल या टीचिंग मेथड तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लर्नर का अफेक्ट करता है रिलेटेड है लर्निंग से क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ये ओवरऑल ह्यूमन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है ओके तो ये लर्निंग को भी अफेक्ट करेगा तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल करेक्ट इंटेलिजेंस लेवल से भी लर्निंग इफेक्ट होती है जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है वो ज्यादा फास्ट लर्निंग कर पाते हैं जिनका आई लो होता है वो काफी समय के बाद लर्निंग को कैच कर पाते हैं सीख पाते हैं। learning, okay? होगा, या था, अगला क्वेश्चन मॉडल ऑफ टीचिंग वॉज गिवन इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वॉज गिवन बाय रिचर्ड सचमैन रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया था इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग ओके पूरा नाम है सचमैन का रिचर्ड सचमैन रिचर्ड सचमैन यहाँ पे ब्रूनर दिया गया है ब्रूनर ने कौन सा मॉडल दिया है लर्निंग टीचिंग का इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग दिया है सचमैन ने ब्रूनर ने दिया है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ओके कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज गिवन बाय ब्रूनर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग तो डोमेन ऑफ लर्निंग अगर आपने बेंजामिन ब्लूम का टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी बी एड में तो वहाँ ब्लूम ने थ्री डोमेन बताए हैं लर्निंग के कौन कौन से हैं कग्नेटिव है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तो ये थ्री डोमेन है लर्निंग के कग्नेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर साइकोमोटर सोशियल इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग, ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मैथड जो है बेस्ट जाता है साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने में लेक्चर मैथड इंडक्टिव मैथड स्टोरी टेलिंग मैथड एंड लेबोरेटरी मैथड यहाँ पे स्कूल लेवल पे पूछा है कि कौन सा मैथड साइंस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट मेथड है साइंस टीचर टीचिंग के लिए लेक्चर मेथड और इंडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड में क्या होता है एग्जाम्पल से फॉर्मूले की तरफ जाते हैं ओके एग्जाम्पल से फॉर्मूले की तरफ यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल स्पेसिफिक टू जनरल वैसे साइंस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए लेक्चर मेथड को भी काफी अच्छा माना जाता है तो इस क्वेश्चन ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है देखना होगा कि किस मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आंसर की में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही होगा एक ऑप्शन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल हेल्प अ टीचर इन दो टीचिंग एड्स जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं लेसन प्लान चार्ट कंक्रीट मटेरियल जो भी आप टीचिंग लर्निंग बनाते हैं वो टीचर्स को हेल्प करता है कैसे हेल्प करता है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल एनहांस स्टूडेंट्स मार्क्स इन फाइनल एग्जाम देखिए ये सब नेगेटिव आते हैं कि नंबर ज्यादा आ जाएंगे नंबर कम आएंगे नंबर का नंबर नहीं देखे जाते यहाँ परफॉर्मेंस को एनहांस करने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये तो गलत हो जाएगा नेगेटिव है गेटिंग इंक्रीमेंट इन सैलरी देखिए ये भी नेगेटिव है ये तो एंगेजिंग लर्नर इन लर्नर्स इन हार्डवर्क ये काफ़ी हद तक ठीक है लेकिन अगर फोर्थ देखें हम मेकिंग लर्निंग अफेक्टिव इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर इससे लर्निंग इफेक्टिव होती है इंटरेस्टिंग बन जाती है लर्नर के लिए ओके तो ऑप्शन डी जो है ये इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। फाइव अ टीचर कुड नॉट कनेक्ट टू लर्नर्स बिकॉज एक टीचर लर्नर uh, से कनेक्ट नहीं कर पाता है इसका कारण क्या है सी हैज अ पोअर हेल्थ स्टेटस के हेल्थ uh, कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट कनेक्टिंग से अगर कोई बीमार भी है तब भी वो पुअर हेल्थ वाला भी छात्रों से कनेक्ट कर पाएगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सी हैज पुअर कम्युनिकेशन स्किल यस कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी में कनेक्ट connect, कनेक्शन बनाने के लिए कम्युनिकेट करेंगे हम तभी तो कनेक्शन बन पाएगा अगर हम बात ही नहीं कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स से तो अच्छे से जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अगर आपसे अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा बिल्कुल सही से तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगी तो तो लर्नर्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ओके okay, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा सी हैज़ अ पोअर कम्युनिकेशन स्किल्स ओके सेल्फ कंसेप्ट ये बाद की बातें पहले कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए सी हैज़ पोअर फिजिकल अपीयेंस अपीयरेंस उतनी मैटर नहीं करती है पतला है हेल्दी है कमज़ोर है ये पोअर फिजिकल हेल्थ यहाँ पर इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती ओके तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज एन हार्डवेयर अभी ये तीन चार क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे हैं आईसीटी हार्डवेयर के एग्जाम्पल कौन से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये तो इसमें सॉफ्टवेयर है ये तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा इंट्रेक्टिव व्हाइट बोर्ड तो व्हाइट बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड होता है ये हार्डवेयर में आता है ओके okay? तो ऑप्शन बीस में करेक्ट होगा ये एग्जाम्पल है आईसीटी हार्डवेयर का वेबसाइट ये तो सारे सॉफ्टवेयर में आएंगे ओके okay? <laughs> अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डज आई सी टी कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट एंगेजमेंट इन क्लासरूम जो आई सी टी है ये स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट में इनके साथ सहभागिता में किस प्रकार का योगदान देती है कंट्रीब्यूट करती है बाय लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये लिमिटिंग ये तो नेगेटिव हो गया बाय प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग नहीं इसमें पैसिव लर्निंग प्रमोट नहीं होती बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस लर्निंग को सुविधाजनक बनाकर ये कंट्रीब्यूट करता है ICT, okay? तो ये ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए सारे नेगेटिव 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 हैं हैं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ओ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सिज क्या है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सिज वे रिसोर्सिज हैं जो फ्रीली एक्सेसिबल है फॉर द एजुकेशनल यूज ओके रिसोर्स दैट आर फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एजुकेशनल यूज ओके ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में वट इज मॉक स्टैंड फॉर एम एमडबल ओ सी स्टैंड फॉर फुल फॉर्म पूछ ली गई मॉक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्शन ए करेक्ट होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ओके ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का विच डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ई लर्निंग कॉन्टेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ई-लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए किसके लिए स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का इस स्कूल स्टूडेंट्स जब स्कूल स्टूडेंट्स की बात होती है डिजिटल इनिशिएटिव की स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ई-लर्निंग e का तो इसमें आएगा दीक्षा दीक्षा पोर्टल अब दीक्षा पोर्टल स्वयं स्वयं प्रभा नेपटेल् मॉक ये सारे ई e लर्निंग के प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये सारे लेकिन जब बात आती है स्कूल स्टूडेंट्स की तो दीक्षा सबसे पहले आता है पूछ जो जाती है कई बार दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग देखिए डी से डिजिटल आई से इंफॉर्मेशन के से नॉलेज एंड एस एच से शेयरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग ये दीक्षा की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दीक्षा पोर्टल को शुरू किया था फिफ्थ सेप्टेंबर टू को पाँच सेप्टेंबर दो को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी एजुके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये स्पेशली बनाया गया है ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए स्पेशली स्कूल स्टूडेंट को ओके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए स्कूल टीचर्स के लिए ये दीक्षा पोर्टल है और जब बात ही है बात है स्वयं की स्वयं चैन स्वयं की प्लेटफॉर्म की तो ये भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है लेकिन इसमें जो कोर्सेज मिलते हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए और साथ में पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ओके okay, तो इसमें स्कूल के साथ साथ हायर स्टडीज के भी कंटेंट मिलता है लेकिन जो दीक्षा है ये स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ओके तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा दीक्षा ये दीक्षा और स्वयं में ये अंतर है कि स्वयं स्कूल कॉलेजेज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें कॉन्टेंट प्रोवाइड होता है और स्वयं के साथ एक और है एक और प्लेटफॉर्म है इससे ही जुड़ा हुआ स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा यहां से भी क्वेश्चन बनता है स्वयं स्वयं प्रभा स्वयम प्रभा ये इसका कंटेंट पे आता है ओके डी टी एच टीवी चैनल्स पे आता है इसके इनिशियली 32 चैनल्स थे लेकिन अब इसके 40 चैनल्स हो गए हैं ओके के स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा की फॉर्मेशन हुई थी 2017 में और स्वयं प्रभा के चैनल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो सैटेलाइट यूज होती है ओके okay, सैटेलाइट का नाम है जी सैटेलाइट जी सेट फिफ्टीन ओके इस टी वी सेटेलाइट का नेम है जी सेट फिफ्टीन अगर एन नेपटेल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एन से नेशनल पी से प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग ओके okay, नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग ये नेपट्टेल की फुल फॉर्म है और मॉक की तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाई मॉक की क्या फुल फॉर्म थी मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ओके ये मॉक की फुल फॉर्म ओके सो दैट्स इट अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ओके okay? तो थैंक यू